लखीमपुर खीरी में छज्जा निकालने को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद। विवाद में पड़ोस की रहने वाली महिला की झोपड़ी में लगाई गई आग। छज्जा निकालने का विरोध कर रहे लोगों ने लगाई आग। विवाद में महिला समेत चार लोग घायल। राजस्थान के दौसा रामगढ़ पछवारा में सिंजारा व हरियाली तीज हर्षोल्लास से मनाई गई। सिंजारा व तीज का पर्व परंपरागत ढंग से मनाया गया। घर घर सिंजारा पर्व को लेकर उत्साह नजर आया। राजस्थान के दौसा लालसोट में शैवानी व्रती कार्यक्रम में अध्यापक रेवडमल मीणा ने विद्यालय को भेंट किया 25,000 का प्रिंटर। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक रेवडमल मीणा का शैवानी व्रती विधायी कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाया गया। राजस्थान के बारा छिपाप डोद में 30 ग्राम अवैध स्मैक के साथ दो गिरफ्तार। आरोपी रामेश्वर के कब्जे से 20 ग्राम और जगदीश के कब्जे से 10 ग्राम स्मैक बरामद। पुलिस अधीक्षक कल्याण मण मीणा ने थाना अधिकारियों व व्रता अधिकारियों को अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु अभियान चलाकर कार्रवाई के निर्देश दिए। एटा में फर्जी नर्सिंग होम पर लापरवाही की भेंट चढ़ी एक और प्रसूता। जनपद में फर्जी नर्सिंग होम पर प्रसूता की मौत के बाद मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर तय परीक्षण की कार्यवाही की। जनपद में फर्जी नर्सिंग होम पर लगातार बढ़ रहे मौत के आंकड़े, लेकिन स्वास्थ्य विभाग फिर भी बना हुआ मौन। हरदोई कछौना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत लखनऊ हरदोई नेशनल हाईवे डबलपुर पर सारता नहर में नहाने के दौरान शशांक उर्फ कालू निवासी लखनऊ की डूबने से मौत। घटनास्थल पर कछौना पुलिस बल मौजूद। अभी तक युवक का शव नहीं मिल सका। स्थानीय लोगों द्वारा खोजबीन जारी। बलरामपुर में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर द्वारा थाना उतरौला क्षेत्र के अंतर्गत आगामी त्यौहार के दृष्टिगत किया गया पैदल गश्त। पैदल गश्त के दौरान चौराहों, मार्केट, भीड़ भाड़ वाली जगहों आदि पर संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों, वस्तुओं की गहनता से चेकिंग की गई। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में शांति भंग में 3 व्यक्ति गिरफ्तार। थाना गैंसड़ी बलरामपुर में शांति भंग के मामले में 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तार व्यक्तियों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर सीआरपीसी की कार्रवाई कर न्यायालय तुलसीपुर भेजा गया। पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री राजेश कुमार सक्सेना द्वारा श्रावण माह के त्यौहार कावड़ यात्रा के दृष्टिगत जनपद में सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु थाना पचपेड़वा क्षेत्र अंतर्गत शिव मंदिर मेले तथा थाना तुलसीपुर क्षेत्र के अंतर्गत कावड़ यात्रा का निरीक्षण किया गया। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।